जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, हर इंसान को आलू खाना पसंद होता है। इसे सभी अपने अपने तरीके से रेसिपी बनाकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? इसका इस्तेमाल करने से सेहत ही नहीं बल्कि सौंदर्य भी संवर जाता है। क्या आप जानते हैं, आलू में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो कि सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप आलू का इस्तेमाल करें तो उसे अच्छे से धोकर बिना छिलका उतारे करें, ताकि इसमें मौजूद पोटेशियम का पूरा पूरा फायदा आपको मिल सके। आलू को उबालकर या गर्म रेत अथवा गर्म राख में भूनकर खाना भी बहुत लाभकारी है। सूखे आलू में 8.5% प्रोटीन होता है, जबकि सूखे चावलों में 6-7% प्रोटीन होता है। इस प्रकार आलू में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। जिस तरह आलू हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, उसी तरह इसका रस भी बेहद फायदेमंद है। इसका सेवन करने से आपको कई बीमारियों से निजात मिल जाएगी। आलू के रस में अधिक मात्रा में आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन ए, विटामिन बी और सी पाया जाता है, जो आपके शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए जान लेते हैं इसका रस पीने के क्या क्या फायदे मिलेंगे। ये पेट के रोगों में बहुत आराम पहुंचाता है। आलू के रस के साथ सेलेरी जूस और खीरे का जूस 2 चम्मच मिलाकर पियेंगे तो पेट के रोग कम होने लगेंगे। इस जूस को पीने से एसिडिटी, अल्सर और पेट में होने वाली जलन की समस्याएं दूर होने लगेंगी। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो आप आलू का जूस पीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाएगा। यह आपके समस्त स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल भी माना जाता है। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे और पिंपल हैं तो आलू का रस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जस्ता और खनिज पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर वजन कम करना चाहते हो और बढ़ते हुए वजन से आप परेशान हो तो आप आलू का जूस पीजिए, ये आपके वजन को कम कर देगा। इसके लिए आपको सुबह नाश्ते से पहले 2 घंटे पहले आलू के जूस का सेवन करना है। ये भूख को नियंत्रित करता है और वजन को कम कर देता है। अगर आपको गठिया है तो गठिया के रोग में आलू का जूस बेहद कारगर होता है। आलू के जूस को पीने से यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल जाता है और गठिया की सूजन कम हो जाती है। अगर एसिडिटी है तो आपके लिए आलू का रस पीना बहुत फायदेमंद होगा। इसके लिए आप रोजाना 1/2 कप आलू का रस पिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, किसी भी तरह के स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए आलू का रस बहुत अच्छा उपाय है। ये नब्ज के अवरोध, कैंसर, हार्ट अटैक और ट्यूमर को बढ़ने से भी रोक देता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद चीज है। इसका सेवन करने से शरीर के खून में शर्करा के स्तर को कम करने में प्रभावकारी मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर वाले लोग ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्याएं अगर आपके हैं तो आप आलू का जूस पीने की आदत डालिए। ये डायबिटीज को नियंत्रण रखने में मदद करता है। साथ ही आलू का जूस मूत्राशय में कैल्शियम का पत्थर बनने से रोक देता है। अगर शरीर की गंदगी को दूर करना चाहते हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर की गंदगी को दूर निकालना चाहते हैं, तो आलू का जूस पीजिए। जापानी लोग हेपेटाइटिस से निजात पाने के लिए आलू के जूस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो आलू के जूस का नियमित मास्क अपने बालों में लगाइए, आपको बहुत मदद मिलेगी। एक आलू को लेकर उसका छिलका निकाल लें, इसके टुकड़ों को काट कर पीस लें। अब इससे रस निकाल लें और इसमें शहद और अंडे का उजला भाग मिला लें। अब इस पेस्ट को सिर और बालों में लगाएं, 2 घंटे तक आप रखें, फिर आप इसे शैम्पू से धो लें। आप देखिए आपके बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ती है। अगर आपको जोड़ों में दर्द और सूजन है और आप उनको खत्म करना चाहते हैं, या आप आर्थराइटिस से परेशान हैं, तो 2 बार आलू का जूस पीजिए। ये दर्द और सूजन में राहत देगा, साथ ही शरीर में खून के संचार को भी बेहतर बनाएगा। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।